गाइस, लेट्स सी कि आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का मैसेज आज के लिए क्या है। सो देखते हैं डे 3 पितृपक्ष आपके लिए क्या मैसेज आता है आज के लिए। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज माय गाइडिंग एंजल्स, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके एंसेस्टर्स की तरफ से उनके लिए मैसेज, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उनके एंसेस्टर्स की तरफ से उनके लिए मैसेज। ऑलराइट, वी हैव लिबरेशन, जस्ट लेट मी बी। फ्री स्पिरिट, वाइल्ड ऑथेंटिक लिबरेशन, नंबर 43। नंबर 43 या 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 43, 34 आपका एज ग्रुप भी हो सकता है, किसी का ये भी हो सकता है। बेसिकली जो लिब्रेशन का कार्ड है, हम सबको पता है आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप थोड़ा फ्री हो। ठीक है, फ्री होने का मतलब है कि हो सकता है आप किसी की जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपको लगता है कि अगर मैंने ये किया तो मैं सही और गलत मैं कहीं ना कहीं फंस जाऊंगी या फंस जाऊंगा, ये जो है ये सही नहीं है, और आप बहुत सारे चीज़ों में फंसे रहते हो या फंसते जा रहे हो, जहां सही गलत की डेफिनेशंस की वजह से आप वो नहीं हो पा रहे जो आप एक्चुअली में हो। ठीक है, आपकी ऑथेंटिसिटी गायब हो रही है, आप रियल नहीं रह रहे, आप हर चीज़ वो बन रहे हो जैसा लोगों को पसंद है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपने दिल को, अपने दिमाग को थोड़ा फ्री करने की ज़रूरत है। आपको वो नहीं करना जो लोग आपसे चाहते हैं, जो लोगों को अच्छा लगता है, आपको वो करना चाहिए जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आप बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बन के दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दें या गलत काम करें आप, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि दूसरों को बिना हर्ट किए भी आप अपनी एक ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हो अनअपोलॉजेटिकली। ठीक है, आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो करना है जो आपकी इच्छा करती है। और ऑब्वियसली अगर आप एक ह्यूमन बींग है तो आप सेंसिटिव हैं और आपकी इच्छाएं ऐसी नहीं होगी कि आप किसी को परेशान करना चाहो, राइट? तो आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी ओन स्पिरिट में आओ, थोड़ा सा अपने अंदर की जो गॉडेस है, जो गॉड है, उसको जगाओ और मत सोचो कि मुझे घास पे चलना है तो मैं चप्पल पहन लूँ, कीड़े काटेंगे, इतना दिमाग मत लगाओ। इट्स लाइक घास अच्छी लग रही है, चलना है यार, फुल मून है, कितना अच्छा लगेगा, चल पड़ो, निकल पड़ो, रिस्क लो। ठीक है, फ्री हो थोड़ी सी, इतना इतना ध्यान रखो कि आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स हैं तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, वो संभाल लेंगे। फेथ रखो थोड़ा सा, बिकॉज जहाँ फेथ नहीं होता वहीं रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो फेथ रखो, विश्वास रखो, विश्वास रखोगे, अपने इंट्यूशन से काम करोगे, अपनी सोल को फ्री करोगे तो अपने आप एक सही पाथ पे चले जाओगे। एंड वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको रोता हुआ देखा है, तो अगर आप रोए हो तो आपके टीयर्स उन्हें ये बता रहे हैं कि आप मानते हो कि उनका एग्जिस्टेंस अभी है एट प्रेजेंट, और उसको वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई डोंट नो कि ये किसके लिए मैसेज है, बट ये मैसेज मुझे मिला है कि वो आपके जो टीयर्स हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, वो उसे डीपली एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उसके लिए आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप उन्हें अभी भी याद कर रहे हो। वाओ, तो यस, आप जब उनको मानते हो, उनके लिए रो रहे हो, आपको पता है वो हैं, आपको देख रहे हैं, तो आप उनके ब्लेसिंग्स पे फोकस करो, सरेंडर कर दो अपने आप को, फेथ रखो उनके ऊपर कि आपकी सारी नीड्स जो हैं वो फुलफिल करेंगे। लेकिन आपको ब्रेक फ्री रहना है, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको सही गलत में नहीं पड़ना, आपको वो करना है जो आपका सोल कहता है। और अगर आपका सोल गलत करने को कह रहा है तो आप अपने सोल पे काम करें, बिकॉज हर व्यक्ति गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर लेता है मैसेजेस को। ऑब्वियसली एज ए ह्यूमन बीइंग आप किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। सो एक फ्री स्पिरिट, एक लिब्रेशन, फील अलाइव, आप ज़िंदगी को जिएं, फ्री हो सकें, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस में, बहुत ज़्यादा मॉडर्न
निटी के अंदर नहीं पड़े। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त बाहर जाके ड्रिंक कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, क्योंकि मुझे इस सोसाइटी में रहना है, जरूरी नहीं है। आप जैसे हैं आप वैसे रहिए। ऐसा भी नहीं है कि मुझे ड्रिंक करना पसंद है लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि लोग क्या कहेंगे। आपको पसंद है आप करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, फ्री हो जाओ माइंड से, ठीक है। थोड़े से बोल्ड डिसीशन लो, थोड़ा सा ओपन अप करो खुद को, थोड़े से रिस्क लो और जो आप हो वो बनो। मतलब ये भी नहीं कह रहे कि आपको अगर एक सहमा सहमा सा रहना पसंद है तो आप रिस्क लो, जबरदस्ती कुछ नहीं करना, फ्री विल से करना है जो करना है, फाइन। सो यस, जस्ट लेट मी बी, मुझे मैं रहने दो। ये आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है आज का, होप ये आपसे रेजोनेट होगा। बाय बाय।